हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। स्टैटिक जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार और झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उसके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि CHSL, MTS या रेलवे का, जैसे ग्रुप डी एग्जाम हो गया या दिल्ली पुलिस या ग्रुप डी के अलावा जितने भी एग्जाम हैं, आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें बिहार और झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को मैंने ऐड किया है। सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये है कि इसको मैंने बहुत शॉर्टली बनाया ताकि आप एग्जाम से जाने से पहले इस वीडियो को देखें और अपने सारे क्वेश्चन सही करें, चाहे वो लोकनृत्य हो या त्यौहार हो या राष्ट्रीय उद्यान हो, यूनेस्को साइट हो, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत गौर से कम 2 या 3 बार इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को वैसे तो आप याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन जब 3-4 बार वीडियो देख लेंगे तो वो आपको फैक्ट याद हो जाएंगे। चलते हैं, बात करते हैं बिहार के बारे में। दोस्तों, ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे बिहार की है। बिहार कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले बिहार की सीमा यहाँ से उत्तर प्रदेश से, यहाँ से झारखंड से, यहाँ से थोड़ी सी सीमा पश्चिम बंगाल से और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से। नेपाल से बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप एटलस खोलिए, एटलस में बिहार का ब्रॉड मैप खोलिए, ब्रॉड मैप में आप बिहार के बारे में देखें। उसके बाद ये वीडियो के जितने पॉइंट में बता रहा हूँ उन सभी जिले या जो शहर हैं उनके बारे में आप देखें, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो आप मैप में देखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, जिससे आपको बहुत जल्दी याद करने में हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की राजधानी की, तो राजधानी है पटना। बिहार का लिंग अनुपात 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। जनघनत्व 1106 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बात करते राजभाषा की, तो हिंदी और उर्दू राजभाषा है। उच्च न्यायालय पटना में है, मंडल 9 और कुल 38 जिले हैं बिहार में। बात करते विधानसभा सदस्य की, तो 243 विधानसभा के सदस्य हैं। विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए हमारे पूरे भारत में कुल 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर विधान परिषद है और उनमें से बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद है। वहीं बात करें लोकसभा की, 40 सीटें बिहार में हैं। वहीं राज्यसभा के 16 सदस्य बिहार से चुने जाते हैं। बात करते हैं राजकीय पशु की, तो रीछ और बैल यहाँ का राजकीय पशु है। फाख्ता और गौरैया राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष पीपल है। वहीं राजकीय फूल गेंदा है। बात करें प्रमुख त्योहारों की, रामनवमी, रक्षाबंधन, विजयदशमी, दीपावली, गीत, छठ और सरहुल प्रमुख त्योहार हैं। वहीं राज्यपाल जो प्रथम हुए वह जयराम दौलत राम हुए। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बात करें प्रथम महिला मुख्यमंत्री की, तो राबड़ी देवी प्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। बात करें अगर बिहार की सीमा की, तो मैंने आपको मैप में बता ही दिया, लेकिन यहाँ पर लिखित में आपको बता दूं तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, यहाँ से बिहार की सीमा लगती है। लोक नृत्य बिहार में जाट, जाटेन, पनवारिया, सामा, चकवा, विदेशिया। दोस्तों, जैसे विदेशिया होगा या जाट जाटेन हो गया या सामा हो गया, चकवा, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहार के। बात कर राष्ट्रीय उद्यान की, तो वाल्मीकि, कैमूर, राजगीर, भीमबांध, गौतम बुद्ध, उदयपुर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं बिहार में। यहाँ पर जो भी महान पुरुष हुए उनके बारे में आपको बता दें, तो राजेंद्र प्रसाद जिनका जन्म जीरादेई सारण में हुआ था जो बिहार में है, वीर कुंवर सिंह यह जगदीशपुर से, इन्होंने 1957 की क्रांति शुरू की थी। जयप्रकाश नारायण का जन्म छपरा में हुआ था, जिन्हें लोकनायक कहा जाता है। वहीं श्री कृष्ण का जन्म मुंगेर में हुआ था। दार्शनिक स्थलों में शेरशाह सूरी का मकबरा सबसे बड़ा दार्शनिक स्थल है बिहार का। इसके अलावा शेरशाही मस्जिद, पत्थर की मस्जिद, पादरी की हवेली, गोलघर, विष्णु मंदिर और गया प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं बिहार में। यूनेस्को साइट में महाबोधि मंदिर को 2002 में शामिल किया गया था और नालंदा जो एक विश्वविद्यालय था सिंधु सभ्यता के समय से ही, तो उसे भी यूनेस्को साइट में 2016 में शामिल किया गया है। बात करें जनजातियों की, तो संथाल, सबर, भूमिज, लोहरा, मुंडा, खैरवार, कोरा, कोरबा, ये प्रमुख जनजाति हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की जो वन लाइनर के तरीके से होंगे और यहाँ ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला फैक्ट है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आपको देखने मिलेगा जो बिहार का एक जिला है। सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है यहाँ का। राज्य की सबसे बड़ी परियोजना गंडक परियोजना है।
राज्य का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में लगाया गया 1978 में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसे बूढ़ी गंडक कहा जाता है, यह बिहार में ही मिलती है। लेकिन दोस्तों ये बिहार की है, मतलब जैसे गंगा में बिहार की सबसे बड़ी सहायक नदी बूढ़ी गंडक है, अगर ओवरऑल गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कहा जाए तो वो यमुना है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में आपको देखने मिलेगा। एथेनॉल नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य बिहार। दोस्तों कलाईवर से सोन नदी गंगा में मिलती है। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सोनपुर में गंगा से गंडक नदी मिलती है और छपरा में गंगा से घाघरा नदी मिलती है। दोस्तों जैसा कि आपको बता दें, भारत की प्रमुख नदी है गंगा और ये बिहार से निकलती है, और जितनी भी जैसे गंडक, सोन या घाघरा, ये जितनी भी नदियां हैं इनका जो संगम होता है वह बिहार में आपको देखने मिलेगा। औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर है। वहीं बात करें नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही स्थित है, जिसको ऐड किया गया है यूनेस्को साइट में। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बरौनी बेगूसराय में आपको देखने मिलेगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए बिहार के बारे में। इसके अलावा योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है, जो मीर कासिम की राजधानी हुआ करती थी। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। इस युद्ध से भारत को पूरी तरह गुलाम कर लिया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में आपको देखने मिलेगी। तो दोस्तों विक्रमशिला और नालंदा बिहार में ये दोनों विश्वविद्यालय थी। कटिहार में कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, तो एक और नदी गंडक, कोसी, सोन। भारत की सबसे शक्तिशाली जो इंजन है वह WAG-9 माधीपुर में बनता है। सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। भारत का प्रथम लोकतंत्र वैशाली हुआ करता था, जो यह बिहार में स्थित है। मधुबनी पेंटिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बिहार। इसमें परछाई नहीं बनाई जाती, ये इसका फेमस पार्ट है, जिसमें यानी मधुबनी पेंटिंग ऐसी की जाती है जिसमें उसकी परछाई नहीं बनाई जाती। दोस्तों ये जो मधुबनी पेंटिंग है इसका जिक्र हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बात करें प्रमुख जलप्रपात की, तो काकुलत नवादा ये प्रमुख जलप्रपात है बिहार में। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर पटना में यह एक सड़क पुल है। बात करें रोहिताश का किला बिहार में स्थित है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए बिहार के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे राजस्थान की है। बात करते हैं राजधानी की, तो झारखंड की राजधानी रांची है। उपराजधानी दुमका को कहा जाता है। औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को कहा जाता है। दोस्तों 28वां राज्य झारखंड बना था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड को नया राज्य घोषित किया गया था। बात करें झारखंड की सीमाओं की, तो दोस्तों उत्तर में बिहार से इसकी सीमा लगती है, दक्षिण में उड़ीसा राज्य से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, पश्चिम में उत्तर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से। वहीं बात करें एक और सीमा इसकी नेपाल से लगती है, ये भी आपको याद रखना है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। लिंग अनुपात 949 यानी 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं, और जनसंख्या घनत्व 441 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ये जनघनत्व है झारखंड का। बात करें राजभाषाओं की, तो हिंदी यहाँ की प्रमुख राजभाषा है। अन्य भाषाओं में संथाल, मुड़ारी और उड़िया, ये तीनों भाषाएं आ जाती हैं। राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी कोयल है, राजकीय पुष्प पलास और राजकीय वृक्ष संथान है। वहीं बात करें जिलों की, तो कुल 24 जिले हैं बिहार झारखंड में। विधानसभा सदस्यों की संख्या 82 है, लोकसभा सदस्य 14 हैं और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार हैं, वहीं प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं। उच्च न्यायालय रांची में है, जो 21वां उच्च न्यायालय बना था भारत का। शास्त्रीय नृत्यों में, शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद, धमार, ख्याल और ढुमरी, ये प्रमुख शास्त्रीय संगीत हैं। वहीं लोक नृत्य में अलकप, झूमर, पैका, मुदारी, झीरखा और डांगा, ये लोक नृत्य हैं, जिनमें से दोस्तों झूमर, मुदारी, झीरखा और डांगा ये तो प्रमुख ही लोक नृत्य है। यहाँ से तो आपके हर SSC के एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। बात करें त्यौहार की, तो कर्म उत्सव और होली प्रमुख त्यौहार हैं। जलप्रपात की बात की जाए तो हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर है, और हिरणी जलप्रपात यानी हुंडरू और हिरणी ये दोनों जलप्रपात आपको झारखंड में देखने मिलेंगे। अगर आपको याद रखना है तो यहाँ से हा और ये दोनों हा हा वाले जो भी जलप्रपात है वह झारखंड में है। बात करें राष्ट्रीय उद्यानों की, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान और पलामू राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब अगर आपके पास एटलस है तो खोलिए और
जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला मैप, जो मैप होता है वहां पर आप देखें, उनमें इन राष्ट्रीय उद्यानों को सर्च करें, जिससे आपको जगह के बारे में पता चलेगा। बात करें जनजातियों की, संथाल, उराव, कनवर, सावर, असुर, हो, करमाली, ये प्रमुख जनजातियां हैं झारखंड में। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की। तो हजारीबाग, कोडरमा और रांची का पठार स्थित है, यानी झारखंड में हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार और रांची का पठार प्रमुख है। बैजनाथ धाम, जो ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये भी झारखंड में आपको देखने मिलेगा। भारत की कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है। दोस्तों, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत में इस्पात नगर जमशेदपुर को ही कहा जाता है। मीठी क्रांति, मधुमक्खी पालन झारखंड से संबंधित है। भारत का पहला खादी मॉल रांची में खोला गया था। प्रधानमंत्री मानधन कृषि और कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड से ही शुरू हुई थी। जादूगोड़ा की खदानें यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जादूगोड़ा किस राज्य में है और ये जो खदानें हैं वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। चाईबासा सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक कोयले की खदानें झारिया में आपको देखने को मिलेंगी। साहिबगंज गंगा नदी के किनारे स्थित है। सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जो 1366 मीटर ऊंची है, यानी 1366 मीटर ऊंची पारसनाथ चोटी झारखंड की सबसे बड़ी चोटी है या सबसे ऊंची चोटी है। सिंदरी उर्वरक हेतु प्रसिद्ध है और यह पहला संयंत्र है जो उर्वरक के लिए झारखंड में लगाया गया था। रामगढ़ और मिलन पहाड़ियां आपको झारखंड में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, दामोदर नदी परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी झारखंड में ही है। रांची स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग में आपको देखने मिलेगी। सर्वाधिक कोयला भंडार आपको झारखंड में देखने मिलेगा। टुटीलव मेला झारखंड में ही लगता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट या वन लाइनर के रूप में मैंने आपको बताए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की बिहार और झारखंड की इंपोर्टेंट फैक्ट की। वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।